नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय YouTube चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लो फाइल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HP शास्त्री कमीशन के बारे में। दोस्तों अभी HP शास्त्री कमीशन का रिजल्ट घोषित किया गया था जिसमें पोस्ट कोड 813 था। दोस्तों यहां पे एक नया मोड निकल के आ गया है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि बिना BEd कितने शास्त्री जो नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों यहां पे आप लोग इस खबर को देख सकते हैं कि जिन्होंने BEd नहीं की थी और उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, दोस्तों इसके बारे में डिटेल मांगी गई है। तो चलिए इस खबर को पूरे डिटेल में देख लेते हैं। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ऐसे कितने शास्त्री हैं जिन्होंने 2012 से 23 सितंबर 2018 तक बिना BEd डिग्री नियुक्त किया गया। दोस्तों यहां पे 2012 से लेके और 2018 के बीच में जिन लोगों ने BEd नहीं किया था उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, ऐसे लोगों की डिटेल मांगी गई है। दोस्तों तो यहां पे आप लोग न्यायाधीश भी देख सकते हैं। दोस्तों 29 जुलाई 2011 को NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, जारी जो अधिसूचना की गई थी। दोस्तों इसके बाद कितने लोगों की नियुक्तियाँ की गई हैं इसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। मामले पर सुनवाई करते हुए 4 सप्ताह के बाद होगी। दोस्तों ये मामला ये चल रहा है तो इसकी जो सुनवाई होगी वो 4 सप्ताह के बाद होगी। कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि 2018 के बाद शास्त्री पदों पर ऐसे कितने लोगों को बैच वाइज भर्ती की गई है जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा और BEd की डिग्री हासिल नहीं की गई है। सरकार को आदेश दिया गया है कि भविष्य में शास्त्री पदों पर बैच वाइज या प्रदेश, जो दोस्तों HPSSC है हमीरपुर, दोस्तों इसके माध्यम से NCT की जो अधिसूचना के खिलाफ कोई भी भर्ती ना करे। तो दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट बोल दिया है कि जो हमीरपुर बोर्ड है HPSSC वो NCT के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती ना करे। न्यायालय ने स्पष्टीकरण मांगा है कि कोर्ट के समक्ष वक्तव्य देने के बाद शास्त्री पदों पर होने वाली नियुक्तियों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आज तक NCT की अधिसूचना के मुताबिक क्यों संशोधन नहीं किया गया। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के RNP रूल है और जो NCTE के बारे में बात की जा रही है तो इन्होंने बोला है कि जो NCTE के जो रूल हैं और उसमें क्यों संशोधन नहीं किया गया है, जो हिमाचल के RNP रूल हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे जो स्पष्ट बात ये हो गई है कि हाई कोर्ट ने स्टे ले लिया है। दोस्तों अब जो नियुक्तियाँ होंगी उस पर रोक लग गई है, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। और दोस्तों इसका जो सुनवाई का जो रिजल्ट आएगा वो 4 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी, इसके बाद ही आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। लेकिन दोस्तों अब आपको इंतजार करना पड़ेगा और तो ये केस चल पड़ा है। दोस्तों हाई कोर्ट ने स्टे ले लिया है। तो दोस्तों ये आज का न्यूज़ था, फिर भी इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।